देखो जैसे गेहूं और चावल अनाज है, मिलेट अनाज का ही नाम है। अनाज को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक पॉजिटिव मिलेट, एक न्यूट्रल मिलेट, एक नेगेटिव मिलेट। ऐसा अनाज जो मेरी एनर्जी खा जाए वो नेगेटिव मिलेट होता है, और उसमें सबसे मुख्य है गेहूं और चावल। और चावल और गेहूं खाने में आपकी बॉडी की 70% एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब आप गेहूं खाते हो या चावल खाते हो तो आधे घंटे से डेढ़ घंटे में वो सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है, यानी कि आपकी शुगर बढ़ जाती है। वो स्पाइक मारेगा, और दो स्पाइक आएंगे, एक स्पाइक तो ग्लूकोज का आया ब्लड में, अब बॉडी की पेनक्रियास को भी स्पाइक मारना पड़ेगा इंसुलिन का, तो बॉडी पे डबल अटैक हुआ, तो पेनक्रियास पे भी लोड पड़ गया, तो गॉल ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ा। लेकिन अगर आपने मिलेट्स खाए, रागी खाई, कंगनी खाई, हरी कंगनी खाई, प्रोसो मिलेट खाया या स्वांख खाए, तो 6-8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज जाएगा ब्लड में। वो स्मार्ट अनाज है, हमारे देश का एक्चुअल भोजन है वो।